आज के टाइम पे AI टूल्स काफी ज्यादा इंप्रूव होते जा रहे हैं, एंड जो लोग AI टूल्स को यूज करके अपनी प्रोग्रामिंग स्किल्स को इंप्रूव कर रहे हैं, दे विल विन द गेम। अगर आप लोग अभी भी AI को इग्नोर कर रहे हो, सो दिस इज द राइट टाइम टू स्टार्ट लर्निंग अबाउट AI, स्टार्ट लर्निंग अबाउट दीज टूल्स एंड स्टार्ट यूजिंग दीज टूल्स टू बिकम अ बेटर प्रोग्रामर एंड अ बेटर डेवलपर। सो हाई गाइज, मैं निशांत चार, वेलकम टू क्यूरियस चार। सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले ऐसे 5 AI टूल्स के बारे में जिनको आप यूज करके एक बेटर प्रोग्रामर बन सकते हैं। सबसे पहले, इफ यू हैव नॉट चेक आउट एल्गो प्रेप, जाके डेफिनेटली चेक आउट कर लेना। वी हैव लॉन्च आउट कोहोर्ट 2.0 एंड ऑल्सो द यूट्यूब चैनल फॉर अ लॉट ऑफ फ्री रिसोर्सेज। दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। द फर्स्ट AI टूल दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज GitHub Copilot। प्रोग्रामिंग के प्रोसेस को GitHub Copilot काफी ज्यादा ईजी बना देता है। इसको यूज करके आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। इसका टेक्स्ट टू कोड और AI कोड कंप्लीशन वाला जो फीचर है, वो काफी ज्यादा IDEs के साथ इंटीग्रेट हो जाता है एंड बहुत ज्यादा यूजफुल होता है इन जनरल। जब आपको कोई भी कोड याद नहीं आ रहा है, आपको उसका बॉयलर प्लेट कोड चाहिए, आपको बस GitHub Copilot को बताना है एंड इट कैन जनरेट द कोड फॉर यू। उसके बाद आप इसको अपने हिसाब से ट्वीक वगैरह कर सकते हैं एंड इसको प्रॉपर एक अच्छे यूजफुल फॉर्मेट में ला सकते हैं। इसका जो पेड प्लान है वो $10 से स्टार्ट होता है। इसका जो फ्री ट्रायल है वो 30 days के लिए होता है। सो एक बार ट्राई करके जरूर देखना एंड अगर अच्छा लगे तो $10 की फीस देके इसको परमानेंटली यूज कर सकते हो एवरी मंथ। नेक्स्ट वन इज कोडियम। GitHub Copilot का एक फ्री ऑल्टरनेटिव है एंड ये ज्यादा लैंग्वेजेस एंड IDEs को सपोर्ट करता है। सो इफ यू आर टाइट ऑन बजट, अगर आपको एक फ्री टूल चाहिए, सो आई थिंक कोडियम इज द बेस्ट वन टू गो विद एंड कंपेरेटिवली ज्यादा IDEs को सपोर्ट करने के साथ साथ ज्यादा फंक्शनैलिटीज भी प्रोवाइड करता है। इसके साथ साथ ही IDE के अंदर ही चैट और सर्च का ऑप्शन भी इंटीग्रेट कर देता है, जो GitHub Copilot प्रोवाइड नहीं करता। एक चीज जरूर याद रखना, ये सारे जो टूल्स हैं ये आपको मोर एफिशिएंट बनाने में हेल्प करेंगे, आपका काम करके नहीं देंगे। अगर आप सोच रहे हो कि मैं इनसे क्वेश्चन पूछूंगा और ये मेरा कोड लिख के दे देंगे एंड मैं जाके चिल करूंगा, ऐसा नहीं होने वाला है। सो इनको बस आप यूज करके अपनी एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सकते हैं। जो काम आप 10 घंटे में कर रहे थे, आप काम 5 घंटे या 4 घंटे में कर सकते हैं, बाकी टाइम में आप रील स्क्रॉल कर सकते हैं, रील्स बना भी सकते हैं। अभी के लिए इनमें से जो टूल आपको ज्यादा बेटर लगे वो आप यूज करके देख सकते हैं, बट फ्यूचर में GitHub Copilot X जब लॉन्च हो जाएगा सो शायद उसमें फंक्शनैलिटीज काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगी। बग फिक्सेस, टेस्ट केसेस रन करना, डॉक्यूमेंटिंग, एरर रिजॉल्विंग, इन जैसी काफी सारी प्रॉब्लम्स में इन चीजों में आपको हेल्प कर रहा होगा GitHub Copilot X। तो उसका वेट जरूर करना है, जब आ जाए तब ट्राई जरूर कर ले। नंबर 3 इज Mintlify। अब जब भी आप कोड कर रहे होते हैं ना, डॉक्यूमेंटेशन एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इस पूरी लाइफ साइकिल का। जब आप किसी कंपनी में काम भी करोगे तो चीज़ों को डॉक्यूमेंट करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। Mintlify आपको वो वाला काम काफी ज्यादा ईजी कर देता है एंड आपको डॉक्यूमेंटेशन में बहुत ज्यादा हेल्प मिल जाती है। ये बस डॉक्यूमेंटेशन में ही हेल्प नहीं करता, बट AI की हेल्प से आपको एनालाइज करने में भी हेल्प करता है कि इस डॉक्यूमेंटेशन का और लोग कैसे यूज कर रहे हैं एंड कैसे इसके साथ एंगेज कर रहे हैं। नंबर 4 इज कोडिगा। प्रोग्रामिंग के साथ साथ चीजों को टेस्ट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एंड ये वाला AI टूल उसी चीज में हेल्प कर रहा होगा आपकी। ये आपके IDE के साथ इंटीग्रेट होके रियल टाइम में आपको हेल्प कर पाएगा कैसे आप अपने कोड को और सिक्योर और सेफ बना सकते हैं, कैसे आप अपने कोड को और ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। इसके फ्री वर्जन में भी काफी सारे फीचर्स हैं, सो एक बार डेफिनेटली चेकआउट कर लेना एंड यूज करके देखना एंड कमेंट सेक्शन में बताना अगर अच्छा लगा हो तो। एंड द 5th वन इज लिटरली anything.io। जैसे इसका नाम है वैसे ही इसका काम है। दिस AI टूल कैन क्रिएट प्रोग्राम्स फॉर यू जस्ट बाय अ सिंगल प्रॉम्प्ट। और इसके साथ साथ जो ये प्रोग्राम जनरेट करके देता है, आप उसको फ्रीली एडिट भी कर सकते हैं एंड इसको चेंज भी कर सकते हैं एंड इसमें ऑलरेडी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी क्रिएटेड हैं, सो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं एंड इसकी हेल्प से अपने प्रोजेक्ट में नई नई चीजें ऐड कर सकते हैं एंड कुछ प्रोजेक्ट्स भी क्रिएट कर सकते हैं। सो दिस AI टूल कैन लिटरली बिल्ड एनीथिंग। ऑल्सो रिसेंटली मैंने अपने मेन चैनल पे एक वीडियो बनाई थी कि विल AI रिमूव सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स और जॉब वगैरह खा लेगा, एंड उसमें कंक्लूजन यही था कि AI विल सपोर्ट यू एंड हेल्प यू बिकम अ बेटर डेवलपर रादर देन टेकिंग योर जॉब। सो इन AI टूल्स को जरूर यूज करके देखना टू बिकम अ बेटर एंड एफिशिएंट प्रोग्रामर, बिकॉज अगर आप ये चीजें नहीं सीखोगे तो कोई और सीख लेगा एंड आपको शायद रिप्लेस कर दे। सो गो चेक आउट ऑल दीज थिंग्स एंड इसके साथ साथ और डिटेल में अगर उस वाले टॉपिक पे बात करनी है या चीजें जाननी है तो जाके डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। आई बटन में उसका भी लिंक आ रहा होगा, यू कैन डेफिनेटली वॉच दैट वीडियो। एंड ये नहीं कि बस ये AI टूल्स यूज करके आप बहुत अच्छे प्रोग्रामर बन सकते हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज गेटिंग बेटर विद योर फंडामेंटल्स। अगर आपको फंडामेंटल्स नहीं आते हैं तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। ChatGPT से या फिर किसी भी AI टूल से आप प्रोग्राम्स तो लिखवा लोगे, बट एक्चुअली जब उनमें बग आएगा तो आप कैसे सॉल्व कर पाओगे अगर आपके फंडामेंटल्स ही स्ट्रांग ना हो। ठीक है, ऐसी बहुत बारी लोगों को प्रॉब्लम आती है जो इनिशियली DSA या फिर बेसिक OSGBM सूप्स वगैरह नहीं पढ़ते हैं एंड डायरेक्टली जंप कर लेते हैं, सोचते हैं कि AI टूल्स को यूज़ करके हम बहुत सारी चीज़ें बिल्ड कर लेंगे, बट जब एक्चुअली बग्स आने शुरू होते हैं, जब प्रॉब्लम्स आने शुरू होते हैं, वो फिगर आउट नहीं कर पाते हैं, वो फ्लो नहीं ढूंढ पाते कि कैसे कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। दैट इज बिकॉज द फंडामेंटल्स हैं वो बहुत ज़्यादा वीक है। सो स्टार्ट विद द फंडामेंटल्स, बेसिक अपने फंडामेंटल्स को ठीक करो,
कोई भी डेवलपमेंट लैंग्वेज सीखो, डेवलपमेंट करना सीखो, उसके बाद इन AI टूल्स को यूज करके उस डेवलपमेंट प्रोसेस को इम्प्रूव करो। स्टार्टिंग में AI टूल्स को यूज करके डेवलपमेंट करने का मत ट्राई करना। अगर सीधा ही ये करोगे तो चीज़ें सीख नहीं पाओगे एंड फिर भाई मतलब ऐसे ही रह जाएगा और कोई फायदा नहीं होगा। सो डेफिनेटली ट्राई आउट दीज AI टूल्स, बट फोकस ऑन योर फंडामेंटल्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। एंड अगर DSA पढ़ना है तो यू कैन डेफिनेटली चेक आउट एल्गो प्रेप। हमने अपना कोहोर्ट 2.0 भी लॉन्च किया था, लॉन्च वीडियो भी आई बटन में आ रही होगी, यू कैन डेफिनेटली चेक दैट आउट। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।